हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छी हैं। और अभी 8:20 बाकी है गाइस, तो हम ब्लॉग स्टार्ट किए हैं और आप सभी के ब्लॉग वीडियो में स्वागत है गाइस। तो बनी रहिएगा ब्लॉग में। और गाइस क्या बताऊँ, क्या सब्जी बनाऊँ रोज समझ में नहीं आते हैं। तो चलते हैं गाइस, आज फटाफट बनाते हैं पनीर की सब्जी। तो पनीर की सब्जी के लिए दाल मसाला रेडी कर लेते हैं, तो पनीर अभी लाने गए हैं गाइस। तो चलते हैं, तब फटाफट इधर देखिए, टमाटर लिए हैं। तो टमाटर के हम 4 टमाटर ले लिए हैं। और चलते हैं फटाफट, हम धो लेते हैं, धो के हम कट कर लेते हैं। नहीं कट तो नहीं करेंगे, ग्रेवी बनाएंगे। तो चलते हैं गैस, हम फटाफट कर लेते हैं फिर उसके बाद। और मिर्ची के धो लेते हैं, और देख सकते हैं धनिया के पत्ता ले लिए हैं, धनिया पत्ता साफ कर लेते हैं। तो बनी रहेगा ब्लॉग में। और चलते हैं फटाफट, हम इधर आटा भी लगा लेते हैं। तो पनीर लाने गई है, तो पनीर लेके आएंगे, तब तक बनी रहेगा ब्लॉग। करते हैं गैस, हम टमाटर ले लिए हैं, और टमाटर के हम कट कर लेते हैं, कटे जरा हम पीस लेते हैं। और इसके हम ग्रेवी बनाएंगे, तो इसलिए तो देख सकते हैं गाइस, हम कट कर लिए हैं और इसे हम मिक्सी में पीस लेते हैं। देख सकते हैं गाइस, हम पीस लिए हैं टमाटर के। तो देख सकते हैं गाइस, इसमें हम तवे पर धनिया गरम कर रहे हैं, और थोड़ा सा गरम करने के बाद में धनिया के टेस्ट ही बदल जाते हैं। तो देख सकते हैं धनिया इसमें डाल दिए हैं, और देख सकते हैं गाइस, इसमें हम जीरा डाल रहे हैं, 1.5 चम्मच जीरा डाल दिए हैं। इसमें काली मिर्च डाल दिए हैं 1 चम्मच। तो इसके हम थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं गाइस, फिर मिक्सी में हम पीस लेंगे। देख सकते हैं गैस, हमारा धनिया गर्म हो गई है, हम गैस बंद कर देते हैं। तो देख सकते हैं गैस, इसमें हम डाल दिए हैं जरे में, और हम इसमें लहसुन डाल देते हैं। अभी तो गर्मी में ज़्यादा लहसुन नहीं डालते हैं, छोटी छोटी डाल लेते हैं। तो देख सकते हैं गाइस, इतने लहसुन डालेंगे, इसमें डाल दिए हैं, और चलते हैं पीस लेते हैं। तो देख सकते हैं गाइस, हम मसाला पीस के रेडी कर लिए हैं, और इधर हम हरी मिर्ची काट लेते हैं और धनिया काट लेते हैं।
तो देख सकते हैं गाइस, हम काट लिए हैं और हरी मिर्ची काट लेते हैं। देख सकते हैं तो देख सकते हैं गाइस, मिर्ची हम कट कर लिए हैं। बस अब पनीर लेके आ रहे हैं, बनाएंगे। तब तक पनीर ले कर लो। देख सकते हैं गैस पनीर लेके आ गई है और हम सब्जी तैयारी करते हैं। तो देख सकते हैं उधर हमारा गैस जल रहे हैं और पनीर के हम पहले तलेंगे। तब तक बनी रहेगा ब्लॉग में। और देखिए टमाटर अभी लेके आए हैं और प्याज नहीं था, तब प्याज लेके आ गई है और हम सब्जी बनाएंगे। तो हमारा इधर देख सकते हैं कढ़ाई गर्म हो रही है, इसमें तेल डालेंगे। हैं गाइस, इसमें हम सरसों तेल डाल दिए हैं और पनीर के हम कट कर लेते हैं। देखिए पनीर के पहले तलेंगे। तो देख सकते हैं गाइस, पनीर के हम डाल लिए हैं और हमारा तेल गर्म हो गया, इसमें हम तल लेंगे। थोड़ी सी आधा प्याज बारीक बारीक काट दे। आधा प्याज? ताकि के तेल में फ्राई करूंगी और सबके फिर भी बनाऊंगी। इसमें इसमें काट देती हूँ चौपाई, थोड़ी सी काटना और उसमें अब तो बड़ा नहीं क्यों कटेगी, इतनी वो काट इतना ही बस। हाँ उतना वो नहीं कटेगी उसमें जल्दी। तो देख सकते हैं गाइस, हमने डाल दिए हैं। इसमें हम इसके पत्ते बनाते हैं, पनीर जब लाते हैं तो इस तरह से हम सब बनाते हैं। और हमारा चम्मच मसाला रेडी हो गया है गाइस, हम पूरे तैयार कर लिए हैं। मसाला तैयार कर लिए हैं, टमाटर पीस के तैयार कर लिए हैं, धनिया हरी मिर्ची कट कर लिए हैं सारा। और इधर हमारा देख सकते हैं पनीर तला रहे हैं। हरी मिर्ची कितनी काटो? हाँ हरी मिर्ची कर लेंगे। तो देख सकते हैं गाइस, हम पनीर के तल दिए हैं। देख सकते हैं गाइस, तो पनीर के हम तल लिए हैं, पानी में डाल दिए हैं ताकि कि सॉफ्ट न हो रहते हैं। पानी में डालने के बाद में अब हम चलते हैं बनाने के, रेडी करते हैं गाइस। इसमें हम तेज पत्ते डाल रहे हैं और लाइट कट गई है, देखिए अंधेरा दिखने लग गई है। तो हमारा तेल गरम हो गई है और इसमें देखिए हरी मिर्ची प्याज थोड़ी सी डाल रहे हैं। तो देख सकते हैं गाइस, इसमें हम मसाला ऐड कर रहे हैं, लाइट भी कट गई है। इसमें काली मिर्च, जीरा, लहसुन, धनिया पीस के और इसमें हम डाल दिए हैं गाइस। वो हम प्याज को थोड़ा सा तल दिए हैं तेल में, तो लाइट अभी गई है तो हम सोच रहे पीसेंगे। कल हम मसाला बना लेते हैं गाइस और ज़रा आटा लगाना है। देख सकते हैं गाइस, हल्दी पाउडर लाल मिर्च और तो सारा मसाला पीस दिए हैं। आज लाइट कट गई तो लाइट वजह से थोड़ा दिखेगी नहीं था। कलर के लिए लाल मिर्च डाल दिए थे, कितना प्यारा कलर आ रहा है।
गर्म हो, नरम हो गए। देख सकते हैं गाइस, ये प्याज के हम पहले तल लिए हैं और हम इसके पीस लेंगे। तो अभी लाइट गई है तो इसमें हम तल डाल देते हैं। गरे में तेल में फ्राई कर दिए हैं प्याज के, इससे ग्रीन बहुत अच्छी बनते हैं। इसमें देख सकते हैं टमाटर के पेस्ट डाल रहे हैं। लाइट अभी कट गई तो तब तक आगे हम प्याज के इंतजार करेंगे हमारा सब्जी बनने के। और पनीर हम कट कर लिए हैं। तो देख सकते हैं पनीर के हम कट कर लिए हैं, पानी में डाल दिए हैं। और इधर हमारा मसाला रेडी बन गया है। कम गैस कर लो तब। रोटी तो सारा क्यों बनाते हैं? पांच रोटी है इसमें भी है। आप रोटी के साथ डेली इसलिए कह रही थी पहले आटा वाटा लगा के रोटी बना लेते। रोटी तो बाद में बन जाएगी, प्याज पीसना था ना। अब वो तो तभी होगा जब लाइट आएगी। गरम मसाला है ना? हाँ गरम मसाला है। चाट मसाला भी कुछ रखी? चाट मसाला नहीं है, गरम मसाला है। पहले हम डाल लेते हैं इसमें भी, अच्छी से भुजा जाएगी। ज़्यादा नहीं डालते हैं गर्मी में। चलिए गाइस ताल हमारा मसाला अच्छी तरीके से भुजा जाएगी। लाइट चला गई, हम प्याज के इंतजार कर लो जब तक हम आटा लगा लेते हैं। थोड़ा सा चीनी डाल दो क्या? चीनी डाल दो एक दो चम्मच। पापा के तो वही पसंद आता है ना चिन्नी वाला। हाँ तो एक दो चम्मच डाल दो। अपना भी दो चम्मच डाल दो। जब तक गाइस हमारा मसाला भुजा के रेडी हो गई है और लाइट के वजह से मैं टमाटर के पेस्ट नहीं बना पाए हैं। तो देख सकते हैं गाइस अभी लाइट आए हैं तो हम मसाला अभी पीस लिए हैं प्याज के ग्रेवी, तो इसमें हम डाल रहे हैं। काफ़ी देरी लाइट चला गई थी इसलिए
प्याज मेरे के अभी पीसा था। आज लाइट भी बहुत देरी से आए थे। देखिए सब्जी के ग्रेवी कितने बढ़िया आ रहे हैं। इसमें थोड़ा सा देख सकते हैं गाइस, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं इसमें और 5 मिनट इसमें हम पका देते हैं थोड़ा देर। थोड़ा सा चीनी डाल देते हैं, तो देख सकते हैं गाइस इसमें हम थोड़ा सा चम्मच 1 चम्मच चीनी डाल दिए। 2 चम्मच डालो, 2 चम्मच फिर जब पापा ऐसे ही डालते मीठी होगी ना, बस इतना। हाँ इतना ठीक है, हम मिला दो इसको। पापा क्या इतना ही डालते हैं हमेशा। तेल ऊपर आएगी फिर उसके बाद पानी डालेंगे। अब जब तक लाइट कटी लेंगे तब सब्जी बन के अच्छी है। बाजार से बना, बाजार से बना, थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ। डाल दो पानी। हाँ अब चलते हैं। घी डालने के बाद भी सब्जी टेस्टी आ जाता है। घी का स्वाद आता है ना, अच्छी लगती है सब्जी। हमारा मसाला भुजा के रेडी हो गई है और हम इसमें देखिए एक गड्डी पानी डालते हैं और 5 मिनट हम इसे पका लेते हैं, फिर उसके बाद हम पानी डालेंगे। क्या पापा? चलो ठीक है। ये गाइस भैया कहीं बाहर से आया है तो हमारे टप्पी देखिए कैसे कितना खुश हो रहा है, कितना चिल्ला रहा है, शोर मचा रहा है। देखिए कैसे हमारा टप्पी दरवाजे पे बैठ के अब उसका इंतज़ार करेगा, चेक करेगा कि कहाँ है। आ गया भैया, जाओ आएगा वो। ये देखिए भैया आ गया, भैया आ गया। चलो चलो, क्या आवाज है? क्या आवाज है मेरे बच्चे का? बच्चे क्या हो गया? चलो बच खेले जाके जा। अब टफी को चीजी मिलेगी, अब उसकी फेवरेट बिस्किट। दूध डालो,
दूध दे मेरा, तू बचपन का दूध दे मेरा है, बचपन का दूध दे नीनू, आराम से धीरे से, बिल्कुल आराम से नहीं, आराम से धीरे, ऐसे नहीं जो चे नहीं खानी धीरे से, बिल्कुल ऐसे नहीं, जो चे नहीं धीरे से, ऐसे जो चे नहीं तो बिल्कुल नहीं, ऐसे जी कौन खा रही है, ऐसे ना धोती का लो, धोती है मेरा दोस्त है, तू बचपन का दोस्त है मेरा, तू मेरा दोस्त है, ऐसे आराम से चलो खा लिया, चलो हटो खा लिया, जी जी खा लिया, तो देख सकते हैं गाइस हमारा सब्जी बन के रेडी हो गई है और इसमें हम लोग के पनीर डाल रहे हैं, ठीक है देख मोटर सूखी चल रही है आई, तो अब इसको थोड़ा पकाएंगे। तो देख सकते हैं गाइस हमारा सब्जी बन के रेडी हो गई है और हम देखते हैं गाइस बन रहे हैं और इधर हमारा रोटी बन रहे हैं गाइस, इसमें हम धनिया डाल रहे हैं, देखिए हमारा सब्जी बन के रेडी हो गई है, देखिए कितना टेस्टी, चलिए बन कर रेडी हो गई। तो देख सकते हैं गाइस हमारा बन के सब्जी रेडी हो गई है और चलते हैं हम इसके यहाँ बनते हैं, देखिए खाना खा रहे हैं पनीर की सब्जी रोटी, आप लोग भी आइएगा खा लीजिएगा, और देखिए हम खा रहे हैं, तो मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, आप सभी के बाय।